हाई एवरी वन माई निमीज एकता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई लाइफ माई होम माई स्टाइल तो कैसे हैं आप लोग तो आज मैं लेके आई हूँ अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर बिगनर्स जो जितने भी इसमें मैंने प्रोडक्ट डाले हैं वो बिलो थ्री हंड्रेड रुपीज़ के हैं तो बिगनर्स ईजीली अपनी मेकअप किट तैयार कर सकते हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट हैं और मैं सबके रिव्यू कर चुकी हूँ एक दो को छोड़ के तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए एंड follow me on instagram my instagram handle is my life my home my style. so let's get started जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैंने कुछ इस तरह के किट में रख दिए हैं तो इसमें सारे आपके प्रोडक्ट आ चुके आ चुके हैं जो ब्लो थ्री हंड्रेड के हैं और मैं वन बाय वन आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट अपने किट में डाल सकते हैं कौन से अच्छे हैं प्रोडक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो होता है आपका ब्यूटी ब्लेंडर तो ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो ये है दो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाए थे इस पर लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी पाउडर पफ ये ड्यूप है आई थिंक हुडा ब्यूटी का तो ये नाइन्टी रुपीज़ के दो आए थे आपने काफ़ी वीडियोज़ में मुझे ये, ये यूज़ करते हुए देखा होगा और ये कितना बाउंसी है आप देख सकते हैं कितना बाउंसी अभी ये वेट है तो बहुत ज़्यादा बाउंसी है ये बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करता है ये मेकअप को तो ब्यूटी ब्लेंडर के बाद मैं बात करती हूँ आपके ब्रशेस के लिए तो ब्रशेस मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो नेकेड अर्बन डिके के बॉक्स आता है मैं uh, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी तो वो uh, 180 और 200 का पूरा बॉक्स आता है उसमें ये इस तरह के 12 मेकअप uh, ब्रशेस होते हैं फेस ब्रशेस भी होते हैं आई ब्रशेस भी होते हैं इस तरह के छोटे से ब्रशेस होते हैं तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में मैंने इसी से अपना मेकअप uh, सीखा था इसी से अपना मेकअप करती थी और काफ़ी अच्छे हैं इनके uh, जो भी ये uh, प्रिस्ल्स हैं बहुत अच्छे हैं तो ये ट्वेल्व का पूरा सेट आता है तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं टू हंड्रेड और टू टू फिफ्टी तक आराम से आ जाएगा पूरा का पूरा डब्बा आता है पूरा का पूरा बॉक्स आता है तो आप उसमें अपना ब्रशेज को आराम से रख सकते हैं अब ब्रशेज के बाद बारी आती है प्राइमर की तो प्राइमर्स के लिए मैं आपको दो रिकमेंड करूँगी आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं दोनों ही अच्छे हैं दोनों ही सारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं कॉम्बिनेशन ऑयली ड्राई स्किन सबके लिए अच्छे हैं तो फर्स्ट है ये ब्लू हेवन का प्राइमर परफेक्ट मेकअप बेस परफेक्शन प्राइमर है और इसका जो एम आर पी है वो थ्री हंड्रेड का है लेकिन ये टू फिफ्टी और टू तक आपको आराम से मिल जाता है डिस्काउंट में और नेक्स्ट है ये एन वाई बे का प्राइमर और ये इस तरह का ट्यूब आता है ये टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का है ये भी सिलिकॉन बेस प्राइमर है और ये भी सिलिकॉन बेस प्राइमर है दोनों ही बहुत अच्छे हैं आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं तो फाउंडेशन के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन और ये ट्यूब आता है ये ट्यूब आता है टू नाइन्टी का और अगर इस डिस्काउंट चल रहा होता है तो टू फिफ्टी टू तक आराम से मिल जाता है आपको और काफ़ी अच्छा है ये कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं लेकिन ड्राई स्किन वाले अगर मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के इसे लगाएंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसा ऑयली स्किन वालों के लिए काम करता है उसी तरह से ये आपके लिए भी काम करेगा तो ये 299 का फाउंडेशन है और अगर आपको फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है कि टीन होते हैं बिगनर्स होते हैं उनको फाउंडेशन ज़्यादा पसंद नहीं आता तो आप यूज़ कर सकते हैं पॉन्ट्स की बीबी -बी क्रीम और ये काफ़ी अच्छी है विंटर्स के लिए भी अच्छी है समर्स के लिए भी अच्छी है और ये टू का इसका एम है लेकिन आपको ये टू टेन टू हंड्रेड ट्वेंटी तक आराम से मिल जाती है ऑनलाइन तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं फाउंडेशन के बाद आती है कंसीलर की बारी तो कंसीलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये स्विस ब्यूटी का ये वाला कंसीलर और शुरू से मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ और मेरा अभी तक का ये सबसे फेवरेट कंसीलर है और इसका प्राइस स्टार्टिंग में 200 था आई थिंक इसका प्राइस बढ़ गया है 220 ट्वेंटी टू ट्वेंटी या टू थर्टी हो गया है इसका प्राइस लेकिन आपको आराम से टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड तक मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क करता है और मैंने इसका रिव्यू भी दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा तो ये है कंसीलर और कंसीलर के बाद आती है आपकी कॉम्पैक्ट की बारी तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये ब्लू हेवन का ये मैट इफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर और इसका एमआरपी है 150 इसका ये एक एक या दो शेड आते हैं इसमें तो ज़्यादातर शेड्स को ये सूट कर जाता है और काफ़ी अच्छा है काफ़ी मैटिफाई कर देता है अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ये वाला कॉम्पैक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे काफ़ी पसंद आया है तो कॉम्पैक्ट के लिए ये 150 का है 130 140 में आराम से मिल जाता है तो काफ़ी अफोर्डेबल है ये तो कॉम्पैक्ट के बाद आती है हमारी अम, कॉन्टोर की बारी तो कॉन्टोर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये एन वाई बे की ये वाली स्टिक ये कुछ इस तरह की स्टिक आती है इसमें कंसीलर्स भी आते हैं इसमें फ़ाउंडेशन भी आते हैं फाउंडेशन सेट भी आते हैं इसमें कंसीलर भी आते हैं मैंने एक कॉन्टोर शेड लिया है ये वाला और ये काफ़ी क्रीमी है बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो इसका एम है आ, वो है वन हंड्रेड का एम है ये तो आ, आपको आराम से 110, 100 तक का मिल जाएगा हंड्रेड रुपीज़ का तो काफ़ी अच्छा है तो अगर आपको इसका कंसीलर भी देखना है तो उसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं आप देख सकते हैं अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इसकी तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कॉन्टोर और काफ़ी अफोर्डेबल है हंड्रेड रुपीज़ में आपको कॉन्टोर मिलना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको पूरी पैलेट चाहिए जिसमें आपको कंसीलर मिल जाए करेक्टर मिल जाए और आपको कॉन्टोर मिल जाए तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये किस ब्यूटी की हाईलाइटर एंड कॉन्टोर पैलेट ये बहुत अच्छी है इसका एम आर पी फोर फोर्टी नाइन या फाइव हंड्रेड का है लेकिन ये आपको हमेशा फिफ्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट पे मिल जाती है और इसके जो शेड हैं काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी लोगों को सूट कर जाते हैं और बहुत ज्यादा कीमी क्रीमी फार्मूला है आराम से ब्लेंड हो जाते हैं और देखिए कॉन्टोर शेड कितना सही है इसमें तो अगर आपको एक एक प्रोडक्ट नहीं लेना है कॉन्टोर नहीं लेना है कंसीलर वगैरह नहीं लेना है, ले है तो आप एक ही पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है ये कॉन्टोर के बाद बारी आती है हमारे ब्लश की तो ब्लश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये स्विस ब्यूटी का ये बेक्ड ब्लश है ये बेक्ड ब्लश है और ये इसका जो प्राइस है वो है टू फोर्टी नाइन रुपीज़ का लेकिन आपको ये टू हंड्रेड तक आराम से मिल जाता है ये बहुत ही अच्छे हैं ये वाला ब्लश और इसमें बहुत सारे शेड्स भी आते हैं बहुत तरीके के शेड्स आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है ये ब्लश बेक ब्लश है देखिए बहुत ही अच्छा है बहुत नेचुरल फिनिश देता है और इसमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी है तो अगर आपको हाइलाइटर नहीं लेना तो आप इसी से काम चला सकते हैं हाइलाइटिंग भी हो जाती है इससे तो ये टू फोर्टी नाइन रुपीज़ का है, ये मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला ब्लश और नेक्स्ट बारी आती है हाइलाइटर की तो हाइलाइटर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आपको ये स्विस ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर ब्रिक और इसमें काफ़ी सारे शेड आते हैं और मेरे पास है ये ज़ीरो टू शेड और इसके हाइलाइटिंग जो शेड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और इसका जो प्राइस है ना वो थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ का है लेकिन ब्लू थ्री हंड्रेड में आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाता है ऑफलाइन भी ये ब्लू थ्री हंड्रेड में मिल जाता है तो कुछ इस तरह के शेड्स हैं इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इसके शेड्स देखिए कितने सही हैं बहुत अच्छा हाइलाइटर है बिल्कुल भी चंकी नहीं है थोड़ा पाउडरी है लेकिन बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये हाईलाइटर uh, के बाद मैं आई की बात कर रही हूँ तो आई के लिए ये uh, जो स्विस ब्यूटी के अल्टीमेट आई शेडो पैलेट है ये काफ़ी सारे वेरिएंट में आते हैं तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हैं बहुत ही पिगमेंटेड कलर्स हैं बहुत ही अच्छा है ये वाला पैलेट और जो इसका एम है वो 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 टू ट्वेंटी का है आपको टू हंड्रेड टेन तक आराम से मिल जाते हैं और अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं इसमें बहुत अच्छे हैं बहुत अफोर्डेबल है और बिगनर्स ना कुछ इस तरह के पैलेट ही जाते हैं जो आपको छोटे कॉम्पैक्ट उस साइज़ में मिल जाए और आराम से आप उन्हें लेकर ट्रैवल कर सके तो इस तरह के ये स्विस ब्यूटी के काफी अच्छे हैं काफी अफोर्डेबल हैं और पिगमेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट बारी आती है आपके आईलाइनर की तो आईलाइनर के लिए मेरा हमेशा सिर्फ आ, आ, फेवरेट रहा है ये क्लैकमे का इंस्टा आईलाइनर ये हमेशा मेरा फेवरेट रहा है और काफ़ी टाइम तक चलता है ये आपको आराम से ये वन ईयर टू आ, वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर तक आराम से चल जाता है बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट आता है और ये आपको हंड्रेड हंड्रेड टेन का मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छे से विंग क्रिएट होता है इससे तो लाइनर के लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी आपको और इसमें आ, दो तीन कलर और आते हैं इसमें ब्लू भी आता है इसमें ग्रीन भी आता है तो अगर आपको चेक करना है तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं और अगर आपको पेन आई देखना है तो पेन आई आई के लिए ये है ब्लू हेवन का लाइन एंड डिजाइन स्केच आई जो बिगनर्स होते हैं उनको ये लिक्विड लाइनर से लगाने में दिक्कत आता है लाइन लाइनर को तो वो इस तरह के स्केच आई यूज कर सकते हैं और ये काफी अफोर्डेबल आई थिंक टेन या वन हंड्रेड ट्वेंटी का है और काफी अच्छा है बहुत अच्छे से आप इससे आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं तो अगर आपको पेन लाइनर लेना है तो आप ये ब्लू हेवन का ही ट्राई कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल है अब बात कर लेते हैं काजल की तो काजल के लिए आ, मेरी दो रिकमेंडेशन है वो है ये लैक्मे आइकॉनिक काजल और ये ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल है आई सेल्फ शार्पनिंग है ये कुछ इस तरह का ये मेरे पास ब्लू है इसमें ब्लैक भी आता है इसमें ग्रीन भी आता है इसमें ब्राउन भी आता है और ये आइकॉनिक है काजल है डीप ब्राउन डीप ब्लैक कलर का और ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल कितने का है ये वन हंड्रेड एट्टी रुपीज़ का प्रा एम आर पी करता है लेकिन वन हंड्रेड सिक्सटी सेवेंटी में आराम से मिल जाएगा और ये आपका हंड्रेड रुपीज़ का है ये भी आपको एट्टी नाइन्टी रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छे हैं दोनों में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो आप इससे ट्राई कीजिए ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये और मे बी इनका कलॉसल काजल हमेशा मेरा फेवरेट रहा है अगर आपको बजट कम है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है काफ़ी पिगमेंटेड है इसके कलर अब बात कर लेते हैं मस्कारा की तो मस्कारा का मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है ये हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा मेबलिन का और इसका प्राइस 325 का है एम लेकिन आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है तो ब्लू 300 हंड्रेड ब्लो थ्री में आराम से मिलता है और कॉम्बो में भी मिल जाता है कभी कभार किसी और चीज़ के साथ भी तो काफ़ी अफोर्डेबल में मिलता है और काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है मेरी, मेरी आपने बहुत सारी वीडियोज़ में इसे देखा होगा यूज़ करते हुए तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी मस्कारा के लिए और आईब्रोज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको ये वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर वाटर रेजिस्टेंस ब्लू हेवन की ये एट्टी रुपीज़ का एम है लेकिन सिक्सटी सेवेंटी रुपीज़ में मिल जाता है डिस्काउंट पे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छी है मैं आजकल इसी को हर वीडियो में यूज़ करती हूँ देखिए ये ब्राउन कलर का है uh, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है नेचुरल लुक देता है ब्राउन कलर आपके आईब्रोज को तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये नेक्स्ट मैं बात करूँगी आई की तो आई के लिए ये है हिलारी रोडा की आई ये नाइन्टी नाइन रुपीज़ की आती हैं मार्केट में लेकिन 90 और 85 फाइव में आपको आराम से मिल जाती हैं 99 में भी एक बुरी नहीं है काफ़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छी अच्छे से आईज पे लग जाती हैं तो मुझे काफ़ी पसंद है ये वाले आ, आई और काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं इस आई हिलारी रोडा के इस आई में दो तो मेरे पास ही हैं और मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर इसका जो एमआरपी है टू फोर्टी नाइन रुपीज़ का है और ये uh, भी टेन ट्वेंटी परसेंट हमेशा इस पर ऑफ चलता रहता है तो आराम से आपको ये टू ट्वेंटी टू टी थर्टी पे मिल जाएगा और बिलो थ्री हंड्रेड का है तो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये बहुत अच्छा मेटिफाई uh, लुक दे देता है अगर आपको ट्राई करना है तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं ये सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है और लास्टली मैं लिपस्टिक्स के लिए रिकमेंड करूँगी आपको ये फेसिस कैनेडा की ये वाली बुलेट लिपस्टिक्स ये कुछ इस तरह की बुलेट लिपस्टिक्स आती हैं ये टू फोर्टी नाइन या टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ की हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है बाय वन गेट वन मैंने भी इसी पे ख़रीदी थी बाय वन गेट वन पे ही खरीदी थी तो ये काफ़ी अच्छी हैं काफ़ी क्रीमी हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं इसके शेड्स वगैरह तो फर्स्ट तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको फेसिस कैनाडा की सेकेंड है ये मेबलिन की ये क्रीमी मैट्स आती है ना आ, ये आ, क्रीमी मैट्स ये 249 या 299 नाइन्टी की आती हैं ये भी बहुत अच्छी हैं इसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं ये भी बहुत अच्छी हैं बिगनर्स के लिए तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं तो ये थे पूरा मेरा मेकअप किट अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर बिगनर्स फॉर टीन जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता तो वो ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं ये मैंने खुद से ट्राई करे हुए प्रोडक्ट्स हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है रिव्यू तो प्लीज़ मेरी वीडियो स्क्रॉल करके देखिएगा और वहाँ पर आप रिव्यू देखिएगा उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर लीजिएगा तो ये था आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू बाय एंड टेक केयर